हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एकता और आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा, जो कि हम सबको बहुत पसंद होता है। लेकिन हम इसे खाने के लिए या तो मार्केट में ऑर्डर करते हैं या फिर बाज़ार जाकर हम इसे खाते हैं। तो क्यों ना हम घर पे इसे बनाना शुरू कर दें। इसके लिए ना तो हमें माइक्रोवेव चाहिए और न ही OTG की ज़रूरत है। हम इसे तवे पर या कढ़ाई पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आपने आवाज़ तो सुनी ही होगी कि ये कितना क्रिस्पी बनकर रेडी हुआ है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इससे मेरा जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है पिज़्ज़ा बेस, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। टॉपिंग के लिए एक या दो टमाटर, एक या दो प्याज, एक छोटी शिमला मिर्च, थोड़े से स्वीट कॉर्न्स, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, इसे हम घर पर भी रेडी कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑरेगानो, थोड़ा सा बटर और बहुत सारी चीज़। इसमें मैंने दो तरह की चीज़ यूज़ की है, एक चीज़ क्यूब और एक मोज़रेला चीज़। मोज़रेला बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम लेंगे पिज़्ज़ा सॉस, जो कि आप घर पर भी रेडी कर सकते हैं, थोड़ी सी सिज़वान चटनी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा तेल मिलाकर ले लेते हैं। जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाए तो हम इसमें सारे वेजिटेबल्स ऐड कर लेते हैं। पहले हमने डाले अनियंस, उसके बाद हम डालेंगे टोमेटोज, फिर हम डालेंगे कैप्सिकम। इनके अलावा हम दूसरे वेजिटेबल्स भी इनमें यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा हम डालेंगे नमक, नमक हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ी सी सिज़वान चटनी, और इसे मिक्स कर हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है इसे, सिर्फ 2 मिनट के लिए। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये मेरा पहला टिप है दोस्तों, कि हमें वेजिटेबल्स को ज़्यादा देर नहीं पकाना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि वो क्रंची बने रहें, तभी पिज़्ज़ा में असली टेस्ट आएगा। हम इसके अलावा भी दूसरे वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पिज़्ज़ा बेस की तरफ, जिसमें मैंने 3 से 4 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस लेकर उसे अच्छी तरह स्प्रेड कर लिया है। मैंने इसमें मिर्च नहीं डाली है, क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस में भी मिर्च होती है और सिज़वान चटनी में भी मिर्च होती है। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अब हम इसमें डाल लेते हैं चीज़, थोड़ी सी चीज़ हम बचा लेते हैं जिसे हम लास्ट में यूज़ करेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने टॉपिंग्स तैयार की थी वेजिटेबल्स की। अगर आप डोमिनोज़ जैसा पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो आप मोज़रेला चीज़ ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि उसी में असली टेस्ट होता है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं पसंद करते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं थोड़े से स्वीट कॉर्न्स, ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। इसके बाद मोज़रेला चीज़ हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। अब हम डालेंगे ऑरेगानो, चिली फ्लेक्स। अब हम इसे कढ़ाई में या तवे में 10 मिनट के लिए पका लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें डाला है थोड़ा सा बटर। बटर की जगह पर आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं, इससे पिज़्ज़ा बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी होता है। अब हम इसमें पिज़्ज़ा रखकर उसमें थोड़े से पनीर के क्यूब्स डालेंगे। ये पनीर के क्यूब्स आप टॉपिंग में भी डाल सकते थे, उससे वो अच्छी तरह भुन जाएंगे, लेकिन मैंने इसे ऊपर से डाल के यूज़ किया है। अब हम इसे 10 मिनट पका लेते हैं। 10 मिनट हो चुकी है, वाओ, चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा बिल्कुल मार्केट के पिज़्ज़ा जैसा है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सॉस, थोड़ा सा ऑरेगानो और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। अब ये बिल्कुल रेडी है। तो आ गया ना मुंह में पानी।
अगर आप इसी तरीके से पिज़्ज़ा बनाएंगे तो आपको मार्केट से पिज़्ज़ा ऑर्डर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं इसे आपको कट करके बताती हूँ कि कितना क्रंची बना है। आवाज़ से आपको पता लग ही गया होगा कि ये बहुत ही क्रंची है। अगर आपको पिज़्ज़ा बेस घर पर ही तैयार करना है तो मैं उसका वीडियो भी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए इसी तरह मेरी रेसिपीज आप देखते रहिए, लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।